वकील मैं आरपीओ हजारा हूँ जी, और आज जो इंसिडेंट हुआ है ये एक बच्चा जिसका नाम उमर के नाम से बच्चा है और ये 7-8 साल के करीब इसका इसकी उम्र बताई जाती थी। ये कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि 28 तारीख को तो 8:40 बजे के करीब को तो वालिद साहब ने रिपोर्ट की थी गुमशुदगी की। तो गुमशुदगी के जो हमारे सोसाइटी में तरीक़ेकार होता है कि उसको फिर अनाउंसमेंट्स वगैरह और जो एक अपने रिश्तेदार वगैरह और जो लोकल थाना में उसकी पूछ पूछ के कहीं इधर उधर बच्चे जो चले जाते हैं उस पर कोई पता नहीं लगा। रात गुजरी, सुबह जो है तकरीबन 6:30 बजे आज बच्चे की जो लाश है ये कूड़े के पास जो है वो मिली और एज़ पर जो लीगल प्रोसीजर है पुलिस ने रिस्पांस दिया। डीपीओ साहब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है ये मौके पर पहुंचे और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लीगल के उसका पोस्टमार्टम वगैरह के कॉज ऑफ डेथ वगैरह उसको मालूम किया जाए। तो ये वहाँ पे पहुँचे, उससे इब्तदाई जो शवाहद मिले उससे ये पता लगा कि बच्चे को जो है वो उसका गला जो है वो घोंटा गया था और जो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ थी वो उसकी यही थी। बहरहाल उसके बाद जो है ये चूँकि जब मुकामी लोगों से रब्ता हुआ और लोकल सोर्सेज एक्टिवेट किए गए तो उससे वालिद साहब के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने फर्स्ट इंस्टेंस में इसके ऊपर इस लड़के का नाम जो है शुएब नाम है उसका, शुएब के ऊपर उन्होंने उसका इजहार किया अपने शुबे का। तो उसी डायरेक्शन में जो वहाँ पे हमारी टीम मौजूद थी उसके ऊपर उन्होंने काम किया और मुख्तसर बात यह कि उसमें उन्होंने उस लड़के ने शुएब ने अपना एतराफ़ जुर्म किया कि ये जुर्म जो है वो उससे सरजद हुआ है। अब उसकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो फैमिली को उसने ठीक है एतराफ़ जुर्म भी किया है, बाकी शवाहद भी हमने इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि इसमें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, एक 9 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, ताकि जब एक शख्स एक काम करता है तो उसमें उसमें कोई एहतमाल होता है गलती का। तो हमने जो इंतहाई यहाँ पे हरिपुर में तजर्बाकार लोग जो अवेलेबल थे उसमें हमने एक JIT जो है उसको तश्कील दी है, नोटिफाई कर दी हमने उसको। और दूसरा मैंने रेकमेंड ये किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कि चूंकि आपको पता है कि लोग चाहते हैं कि जल्दी इंसाफ हो, तो चूंकि अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा एग्जाम पाकिस्तान में जो है वो मॉडल कोर्ट्स का हुआ है, तो मैंने ये तजवीज़ दी है, ये ज़िले के सरबराह हैं, मैं इनके काम में वो नहीं करता, कि मेरी उनकी ये तजवीज़ है कि अगर हम इसको मॉडल कोर्ट में भिजवाएं तो उससे ज़्यादा एक अच्छा इम्पेक्ट होगा कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं लोग उस उनको एक कम अज़ कम हम एक एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो हम एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते। तो मैं इस पे आपके साथ जरूर करेंगे, कम्युनिटी को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना है, मतलब बाजार में अगर एक मामला हो रहा है और बाजार में खुदा न खास्ता किसी जगह टारगेट किलिंग हो जाती है और कोई आदमी कैमरे वाला कोऑपरेट नहीं करता या कोई गवाही नहीं देता तो लाजमी बात है पुलिस के पास कागज ही भरेगी वो, और लाजमी बात है वो अदब। और मेरा अपना ख्याल ये कि पुलिस की जो नाकामी है वो सोसाइटी की नाकामी होती है। अगर हम पुलिस को सोसाइटी से अलग कर देंगे इसका मतलब ये कि पुलिस अलग है। और ये इसमें भी देख लें कि आज सुबह का केस है और मैं दिल से एक तो सलाम पेश करता हूँ खानपुर के लोगों को और यहाँ के लोकल लोगों को के, और आप ये अब्दाबाद में भी एक केस हुआ था ये वाला वो सुबह क्या नाम है नहीं ये अफजल कोहिस्तानी वाला, आप देखें कि उसमें पब्लिक के लोगों ने दो लोगों ने लोग जाके भाई को नहीं बताते और दो लोगों ने जाके अदालत में जाके 164 किया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ दो लोगों को, पुलिस वाला कहेगा तो पुलिस वाला की कौन बात मानता है कि जी शायद पता नहीं मिल गया, लेकिन आप देखें कि दो लोगों ने उस केस में जाके अदालत में खुद कहा कि जी हमने, तो एक तो वो बात हो गई। यहाँ का मैंने जो मामला आज सुबह से जो चंद घंटे हुए हैं तो मैं इसको टेलीफोन पे मॉनिटर कर रहा था, जो मुझे अच्छी बात लगी कि एक जो कम्युनिटी की सपोर्ट है,
मैकेनिज्म भी हमारे दरमियान में होता है, हम चूंकि गवाही नहीं देते, हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और वो सारा बर्डन वो एक तरफ पे हो जाता है। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि वहाँ के जो लोकल नाज़िमीन हैं, जो एल्डर्स हैं, मैं किसी दिन जाकर उनको मिलूंगा भी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सारे लोग तशरीफ लाएं। तो मैं एक बात ज़रूर इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी तरफ से, अगर आप सिर्फ हज़ारा डिवीज़न को की लेनी जो मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को पहुँचाएँ कि बच्चों को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है, माँ बाप का रोल क्या है, उलमा का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि एक बच्चा जो गया है इतने छोटे बच्चों के साथ, और उसका हमें एक कम्युनिटी के तौर पे काम करना है, ना कि हम खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात का इंतज़ार करते हों कि कोई ऐसा वाकया हो जाए और हम फिर उसके बाद कोई रिएक्टिव मॉड करें। मैंने जब से मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पर उलमा से बड़ा हेल्प लेता हूँ, और मैं हर जुमे को अपने पुलिस ऑफिसर्स को भेजता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आठों के आठों डीपीओ से कि उलमा को इस सिलसिले में, चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा बात अगर इस सोसाइटी में सुनी जाती है तो उलमा की सुनी जाती है इनफॉर्मल चैनल पे, और जब पूरे दुनिया में सुनी जाती है तो आप मास कम्युनिकेशन वाले हैं, आपकी बात पता नहीं कितने करोड़ कितने अरब लोग जो है वो पूरी दुनिया में देखते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाएँ, आप सुबह में एक वुमेन लॉज में। मैं बच्चों के बारे में बड़ा पोजेसिव हूँ, मैंने बच्चों के बारे में सेंटर्स बनाए पेशावर में, ठीक हो गया जी। मैंने लोकल अखबार में पढ़ी, नेशनल अखबार में नहीं थी ये खबर, लोकल अखबार में ये थी। तो मैं तो लोकल अखबारों को ये अप्रिसिएशन देता हूँ कि लोकल अखबार छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केस हुआ 27 तारीख की रात को, और उसमें भी कुछ सस्पिशियस किस्म के मामला थे, मशकूक किस्म का, और उसमें किस्सा मुख्तसर ये है कि जब पता लगा और जब पुलिस ने अपने सोर्सेज एम्प्लॉय किए तो उससे पता लगा कि इन्होंने अपने भाई को कत्ल करवाया, और मकतूल जो है उससे वो जो मुलजमान हैं उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया, और उनसे आला कत्ल जो है वो भी बरामद हुआ है। और मैं सबसे पहले तो इस दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर, कम्युनिटी को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना है, मतलब बाजार में अगर एक मामला हो रहा है और बाजार में खुदा ना खास्ता किसी जगह टारगेट किलिंग हो जाती है और कोई आदमी कैमरे वाला कोऑपरेट नहीं करता या कोई गवाही नहीं देता, तो लाजमी बात है पुलिस के पास कागज़ ही भरेगी वो, और लाजमी बात है वो अदब। और मेरा अपना ख्याल ये कि पुलिस की जो नाकामी है वो सोसाइटी की नाकामी होती है। अगर हम पुलिस को सोसाइटी से अलग कर देंगे, इसका मतलब ये कि पुलिस अलग है और ये जे एन टी में मैं आपको देख लेता हूँ। मुझे चूंकि अभी मैंने रस्ते में वो नोटिफिकेशन, मुझे जुबानी चूंकि मैं सारे अफसरों को जानता नहीं हूँ, तो अभी आपको मैं इस जे एन टी की सरबराई शाह नजर खान से करवाता, क्योंकि इनका 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पुलिसिंग का। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं